नमस्कार दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा आपको एक कंट्रोवर्शियल ब्रीड के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले तो स्कूबर में आपका स्वागत है। अभी क्या हाल है? मैंने नाम ही ले रहा हूँ, मुंह डका दिया। अच्छा, अभी ये कौन सी ब्रीड है वैसे? सही में एपीबीटी और पिटबुल में क्या डिफरेंस है? जो एक्चुअली सर, जो पिटबुल है वो थोड़ा इंडियन ब्रीड भी है, और जो एपीबीटी है वो अमेरिकन की ब्रीड है, और जो एथलीट ब्रीड है। ठीक है सर। और सर, जो गेम ब्रीड में आ जाते हैं, जैसे कि सर इनके बड़े स्पोर्ट्स होते हैं एपीबीटी में, काफ़ी इनके ये गेम डॉग के लिए रखे जाते हैं मेन। मतलब क्या गेम डॉग? क्या फाइट के लिए? फाइट के लिए जान लो जैसे मर्जी। ठीक है, मतलब आप फाइट को प्रमोट करते हो? नहीं, मैं नहीं प्रमोट करता फाइट। आप करवाते हो फाइट? क्या? नहीं, मैं नहीं करवाता। आप फाइट नहीं करवाते? मतलब ये आपने रखे हैं शौक के लिए? शौक के लिए, बिल्कुल साफ सुथरा। कोई हाँ, कान भी नहीं काटे हुए? कोई कान कून नहीं काटे, कोई कुछ नहीं। और एपीबीटी और पिटबुल में क्या डिफरेंस है दोनों में? सर, जो पिटबुल है वो आ जाता है 20 किलो से 30 40 किलो के बीच, वो थोड़ा बड़े में आ जाता है। जो एपीबीटी वो मस्कुलर ब्रीड है सर, की सुंदर होती है देखने में, काफी अपना अपना शौक है। जैसे ये ब्लैकी का बच्चा है, ये वाला। अच्छा, क्या ब्लैकी क्या है? मतलब अच्छी पेडिग्री है? अच्छी पेडिग्री है, बाहर से इंपोर्ट है सर। ये इंपोर्ट है बाहर से? नहीं, ये नहीं, इसका फादर इंपोर्ट। इसका फादर इंपोर्ट था। क्या डिफरेंस क्या होता है जो एपीबीटी है पिटबुल में? आप मुझे बता रहे थे, आप मैं अभी एक और पिटबुल भी दिखाऊंगा आपका। पिटबुल और इसमें टेम्परामेंट में फर्क है या क्या? चलो मैं मान लेता हूँ फाइट करवाते हो, तो फाइट में पिटबुल की क्या रेंज होती है और इसकी क्या रेंज होती है? सर वैसे तो मैं फाइट करवाता नहीं। नहीं, मैं आपको वैसे ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि लोगों में उत्सुकता रहती है कि पिटबुल और एपीबीटी में क्या डिफरेंट है, क्योंकि हमारे लिए तो दोनों ही एक जैसे हैं। आपको ज्यादा, क्योंकि आप ब्रीडिंग करते हो, चलो इसका आप शौक से पालते भी हो, ठीक है, आपको तो थोड़ा पता होगा ना नॉलेज के लिए कि एपीबीटी और पिटबुल में क्या डिफरेंस आता है। सर जैसे कि एपीबीटी में ये डिफरेंस है, एपीबीटी का हेड साइज, शरीर थोड़ा, बॉडी साइज थोड़ा छोटा होता है, मतलब कि मस्कुलर होता है। और सर जो पिटबुल है सर, उसका जो साइज है, फेस भी उसका काफी बड़ा आ जाता है, और सर वो मतलब कि थोड़ा सुस्त सुस्त, जैसे कि लगा लो कि इंडिया के हिसाब से खुद ब्रीड किए गए हैं। और सर ये जो एपीबीटी है तो सर ये बाहर की ब्रीड है, ये बात है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या है। ये एपीबीटी है, ये आपका दूसरा डॉग है, इंडियन स्पिट्स। इंडियन स्पिट्स है ये, कौन सा है? पोमेरियन, जिसको आप कहते हो। और ये दोनों साथ में इकट्ठे हैं? अगर फाइट वाले होते तो आप रख सकते थे क्या साथ में? बिल्कुल, दूसरा डॉग आप साथ में। ये तो ऐसा कि इसके छोटे बच्चा जो मर्जी इसके पास में आ जाए, किसी को मतलब कि काटने के नहीं पड़ता। लोगों की वैसे मान्यता है एपीबीटी गेम डॉग, मैंने तो सर शौक के लिए रखे हैं, क्योंकि ये काफी घर में गार्ड डॉग के लिए काफी अच्छे होते हैं। गार्डिंग के लिए अच्छे होते हैं, कोई आ नहीं सकता, ये पूरे दिन उछलते कूदते रहते हैं, सुस्त नहीं रहते, खेलते वगैरह रहते हैं। नहीं, एनर्जी डॉग है ये, एनर्जी तो काफी, आपको इसकी एनर्जी वेस्ट करवानी पड़ेगी। ये इसका टेम्परामेंट लूज करने के लिए आपको एनर्जी वेस्ट करवानी पड़ेगी। खाने में क्या देते हो इसको? खाने में सर वही फीड, दूध दही बस। अच्छा, दूध पीता है? खूब ठीक है। ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है बाबला। ठीक है, अभी आप दूसरा डॉग मंगवाइए जो आपका दूसरा एपीबीटी है। आपके पास कितने एपीबीटी हैं? मेरे पास सर दो ही एपीबीटी है। एपीबीटी दो ही है, और एक पिटबुल भी है ना, वो जो आपके फ्रेंड का आप बता रहे थे, वो भी मेरे। ये तुम्हारा दूसरा डॉग है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है ब्लैक गोरिल्ला। ब्लैक गोरिल्ला, इसकी क्या खासियत है गोरिल्ला की? सर इसकी ये खासियत है कि काफी अच्छा फैमिली डॉग है, किसी को काटने को नहीं पड़ता, वैसे फुल एनर्जेटिक है। वैसे मैं एक बात बोलता हूँ कि ये जितनी बार भी मैंने देखे है ना एपीबीटी, तो मुझे ये स्ट्रे डॉग और एपीबीटी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। अगर मतलब ओरिजिनल एपीबीटी होगा वो स्ट्रे डॉग जैसा ही होगा, क्योंकि इसकी मस्कुलर बॉडी है, सिर्फ टेम्परामेंट का और डिफरेंट है। एक वो कहते हैं कि लॉक लगा लेते हैं डॉग, वो क्या सिस्टम होता है? तो सारे लगा लेते हैं, कोई ऐसा डॉग नहीं। लैब्राडोर, स्पिट्स, जब ये लड़ते हैं ना आपस में, तो सर इनका मतलब कि ये पकड़ लेते हैं दूसरे कुत्ते को, छोड़ते नहीं है। इनका मेन ये है कि इनकी बाइट फोर्स थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसके लिए लोगों का मानता कि नहीं। जैसे मैं आपको समझ, इसने लॉक लगा लिया, फिर आप खुलवाते कैसे हो लॉक इसका? आज तक तो हमारे पास लगवाया नहीं। वैसे मैंने देखा कि वो मुंह में मतलब कि डंडा वगैरह देके प्यार से छोड़ देता, ये बात है। दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, ये वो दूसरा डॉग था जो हमने पहले दिखाया, और ये काफी इसके पास आम घूम रहे हैं। और ये भी होता है कि एपीबीटी को आपको कान क्रॉपिंग कराने पड़ते हैं? कोई बात सर, हमने तो वो होता मेन फाइटिंग पर्पस के लिए लोग करवाते हैं। ठीक है, तो हमने फाइटिंग पर्पस के लिए रखा नहीं हुआ, हमने वैसे शो क्वालिटी के लिए और मेन गार्ड डॉग के लिए लेके आए थे हम। तो ये कितने का लाए थे वैसे? मैं लेके आया था 70,000 का। 70,000 का एपीबीटी? इसका फादर है, सर्बिया से इम्पोर्ट है, नेसन
उसके पास है, कुलदीप रावत के पास, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा गार्ड डॉग रखा हुआ है। और इसकी मदर है वो सर क्या कहते हैं इंडोनेशिया इम्पोर्ट है। तो ये मतलब तुमने शौक के लिए 70,000 रुपये खर्च लिया सिर्फ एपी बी टी प्योर रखने के लिए और ब्लड लाइन के लिए। सिंपल सी बात, तो सर वो सिंपल ब्लड लाइन के लिए। ये भी खाने में वही खाता है, दूध दही, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि अंडे खाता है। कई बार कहते हैं ना डॉग को मैं 20 अंडे खिलाता हूँ वो खिलाता हूँ, जैसे कई कहते हैं मैं 20 अंडे खिलाता हूँ 24 अंडे खिलाता हूँ, वैसा कुछ नहीं है सिस्टम। कितना प्यारा है यार एपीबीटी। और इसके हम कर्तव्य भी देख रहे थे एक बार, वो आप इसको एक्सरसाइज क्या क्या कराते हो? ये मैगी है ये बेचारा, ये अगर ये फाइटिंग डॉग होते तो मैगी का कुछ नहीं रहते, पर मैगी भी आराम से घूमता रहता है। चलो दोस्तों इनका दूसरा, अब हम दिखाते हैं इनको पिटबुल, दिखाते हैं इसके साथ कि पिटबुल और इसमें क्या फर्क है, वो दोनों दिखाते हैं। आपका नाम क्या भैया? सुरिंदर जी। ये सुरिंदर जी के पास है सुलिंदर, ये भी नाम पहली बार ही सुना मैंने। सुलिंदर जी ये आपने लिया था पिटबुल, अब एपीबीटी और पिटबुल में आप दोस्तों देख सकते हो डिफरेंस। ये है पिटबुल, वो था एपीबीटी। एपीबीटी का फुल फॉर्म होती है अमेरिकन पिटबुल बुल टेरियर, और ये है अमेरिकन पिटबुल। इसका टेम्परामेंट अलग है बिल्कुल, यहाँ क्या डिफरेंस है दोनों में? सर देखो इसका साइज वगैरह, हेड स्ट्रक्चर देखने में भी अच्छा है। ठीक है, और सुरेंद्र भाई क्या खिलाते हो इसको? जो घर का खाना है, दाल वगैरह भी खा लेता घर की, और ये कई बार होता मिर्ची मसाले आप खिलाते हो या नहीं खिलाते? ये खा लेता खुद भी, और ये मुझे कह रहे हैं जो हमारे लिए बनता वही इसको खिलाते हैं, जो घर में बन रहा है वही खिला रहे हैं इसको। और ये देखिए बड़ा अच्छा पिटबुल है। मैं अभी सुलिंदर भाई ये आपने कितने का लिया था? मैंने कितने का लिया था? अब ये अभी 10,000 का लिया इन्होंने पिटबुल, और एपीबीटी है 13-17,000 का। तो इतना रेट का फर्क क्यों है, कुछ बताएगा इसके? सर शौक का मेरा मेन जो है मेन ब्लड लाइन पेडिग्री उसकी सारा कुछ ये बात है। यार वो शिकारी कुत्ता लग रहा है देखने में ये खूबसूरत है, यही बात है, ये बड़ा खूबसूरत है। और वैसे जो लोगों के मन में होता है कि मैरिक बुल्ली ही लेना चाहिए पिटबुल नहीं रखना चाहिए, ऐसा कुछ लगा आपको कभी? पिटबुल रख सकते हो घर में? सर कहने की बात है ये तो सर बच्चे छोटा, अभी आपको बच्ची नहीं है, नहीं तो बच्चे दिखाते सर इसके ऊपर बैठ के इसको चांटे मारी जो मर्जी कुछ नहीं करता ये कुछ नहीं करता। ये तो घर में चोर भी आ जाए उसको भी खोल के ले जाए तब भी नहीं पड़ेगा, मैं चोर भी इसको लेकर जा सकता है, तो फिर फायदा क्या होगा पिटबुल रखने का? वही बात है ना, मतलब अमेरिका पिटबुल ले लो अगर आपको गार्डिंग के लिए चाहिए तो। ठीक है, अभी एक आप अमेरिकन बुल्ली भी लाए हो, आपके फ्रेंड है वो कौन से हैं? सर ये अपनी अमेरिकन बुल्ली है, ये फीमेल है, इसका नाम है टफू। टफू हाँ जी, ये अपना पॉकेट साइज में है अमेरिकन बुल्ली, और ये भी मतलब सिंपल डाइट है इसकी, कुछ इतना कुछ खास नहीं है, प्रेपरेशन कोई इतनी कुछ करने नहीं पड़ती खास। ठीक है, और ये मिस्टर टैंक की बच्ची है, मिस्टर टैंक हमारे पठानकोट में एक फेमस डॉग है, आपने सुना होगा, ये उसकी बच्ची है, इसका नाम है टफू, और बाकी बहुत अच्छी है, फ्रेंडली है, घर वालों के साथ बच्चों के साथ हमेशा खेलती रहती है, जैसे कि सभी के साथ मिक्सअप होकर रहती है, और एक अच्छी कंपेनियन डॉग है। मैं ना ज़्यादातर देखता भी हूँ, ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव पता क्या था, आप दोस्तों को इकट्ठा करना क्यों था, कि ये सारे डॉग को ना कोई चपाती दे रहा है, कोई दाल खिला रहा है, कोई चावल खिला रहा है, और चिकन जो भी आप घर में खुद बनाते हो तो इनको खिलाते हो, जो भी आप घर में खुद खा रहे हो वो बना रहे हो। ठीक है, और आजकल हमने नई जनरेशन में सीख लिया रॉयल कैनन खिलाओ क्या खिलाओ, है ना अभी? हाँ। कितने रुपए किलो आती है रॉयल कैनन? पता नहीं सर, हमने तो डाली नहीं कभी। है 15 किलो की कितने दी है? हाँ ठीक है, और ऐसा नहीं है ये सारे भाई डाल नहीं सकते, सारे जमींदार आदमी है पंजाब के, अच्छी अच्छी खेत भी है इनके, सारा कुछ है, तो लेकिन नहीं डालते, देसी डाइट पर ही रखे हुए सारे। सर बेसिकली ये होता है कि कोई डाइट पे इतना नहीं होता, जो आप जैसे प्यार से डॉग को आप रख रहे हो अपने पास या कैसा उसको रख रहे हो उस पे होता है। हम खा रहे हैं, ये नहीं होता कि हर कोई क्या एक जैसा हो, मतलब सभी एक जैसे हो, अलग अलग होते हैं, कई डुप्लीकेट डॉग दे देंगे, उसको बोलेंगे रॉयल कैनन खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ, आपने सेवा नहीं की, ऐसा कुछ नहीं होता।
साले रॉयल कैनन दे देते हैं, वो उसको होते डॉग में क्वालिटी नहीं होती, ब्लड लाइन नहीं होता, और बाद में कहते हैं रॉयल कैनन खिलाता जा दू। आप अच्छी ब्लड लाइन का डॉग लो, अभी आपने सभी डॉग देखे हैं, कोई आपको मतलब जी सारे एक्टिव हैं यार, डॉग सारे हैं, वो 5 महीने का, ये चलो 1 साल का, ये सारे ठीक है एक्टिव। अभी ये है अमेरिकन वूली, तो अब इसमें क्या फर्क है, ये तो 5 महीने का डॉग है तूने बताया, और ये भैया का क्या नाम है? अभिषेक, दोनों अभिषेक हो गए इकट्ठे, ठीक है। ये अमेरिकन, आपने पिटबुल क्यों नहीं लिया? अगर आप सारे फ्रेंड हो तो सभी पिटबुल लेना चाहते हैं, आपने अमेरिकन बुली क्यों लिया? नहीं, आपको कुछ अलग दिखा होगा ना अमेरिकन बुली में, इसकी हेल्थ वगैरह ज्यादा होती है, इसकी हेल्थ ज्यादा होती है। एक सर अमेरिकन बुली और पिटबुल का ये मेन होता है कि जैसे पिटबुल है वो एनर्जेटिक ज्यादा होता है, पिटबुल एनर्जेटिक ज्यादा होता है तो उसको जगह जरा खुली चाहिए होती है, ये जैसे अपार्टमेंट छोटा किसी का घर हो या कुछ हो, जैसे पमेलियन फैमिली डॉग, मतलब ज्यादा फैमिली के साथ कंपेनियन के जैसे हम कह सकते हैं, और ज्यादा मतलब ज्यादा इसको एरिया नहीं चाहिए होता। मतलब एक बात आप कह रहे हो कि पिटबुल कंपेनियन नहीं बन सकते, कंपेनियन होते हैं बट खुली जगह चाहिए होती है, जगह ज्यादा चाहिए। यार मैं खिंचाई कर रहा हूँ, तुम तो मैं तो पूछना चाहता हूँ ना, जो देखो आम आम जनता को पिटबुल के बारे में खौफ है, ठीक है, मैं वही क्लियर करना चाह रहा हूँ ना, खौफ है वो हमारे पास आ जाए, मेरे पास ऐसे ऐसे पिटबुल है, बंदा ले जाए घर में खुद, कोई मतलब कोई भी आके खोल के ले जाए, कोई काटने को तक नहीं पड़ेगा। हाँ। ऐसे ऐसे मैं पता क्यों क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आम जनता में खौफ ना रहे, वो मैं तभी पूछ रहा हूँ यार, पूछूंगा तो पता लगेगा ना। बंदे भी होते हैं कि दूर से पिटबुल देख के वैसे कामने लग पड़ेगा, हाय पिटबुल पिटबुल, मतलब बीच में बाथरूम कर। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब स्टार्टिंग किया था ना चैनल का, मैं खुद वीडियो नहीं बनाता था पिटबुल के, मुझे ये लगता था कि जिसने पिटबुल रखा है वो फाइट करवाता है, ठीक है, और मुझे पिटबुल के पास जाने से भी डर लगता था, मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन अब मैंने आज भी पिटबुल देखे, मैं इनके साथ खेला भी हूँ, इनके साथ बैठा भी हूँ, तो मुझे लगा ना कि ऐसा, अब जनता को तो बताना है ना कि पिटबुल वैसे नहीं होते। देखिए सर, फाइट के लिए बोलते हैं कि सभी पिटबुल अमेरिकन बुली और एपीबीटी को मोस्टली लोग सेम समझते हैं, बट आपने देखा है कैसे प्यार से आपस में बैठे हैं। हाँ, ये भी मैं देख रहा हूँ, इसका नाम मैगी है और ये सभी, हाँ बिल्कुल, अगर पिटबुल पागल होता तो इसको कब का छोड़ा भी नहीं होता, ऐसे खुला थोड़ी घूमता फिर ये सभी के साथ। बड़ा मजा है यार आप दोस्तों के साथ, ये एक ही गांव के, एक ऑलमोस्ट एक ही क्लास के आप स्टूडेंट भी हो सारे, और बड़ा अच्छा है, किसी ने स्पिट्स रखा है, किसी ने अमेरिकन बुली लिया चॉइस से, किसी ने एपीबीटी रखा है, और किसी ने पिटबुल रखा है। आज हमें ये भी पता लग गया कि पिटबुल देखने में शिकारी डॉग की तरह ही होते हैं, जो स्ट्रे एनिमल है वैसे ही होता है, लेकिन उसका पहचान होती है कभी छोटे होते हुए। काफी हैवी होते हैं जब इनकी, जो लोग फाइट पर्पस के लिए रखते हैं ना, जब इनकी तैयारी वगैरह लगवाते हैं फिर वो काफी मस्कुलर हो जाते हैं। हमने तो फाइट पर्पस के लिए रखे नहीं, हमने ऐसे दूध दही पे रखे हैं। अच्छा, कोई अगर बंदा एपीबीटी कहकर आपको डॉग बेच रहा हो तो वो नहीं होगा? नहीं होगा, मतलब सस्ते में नहीं होगा, सस्ते में नहीं होगा, बढ़िया ब्लड लाइन का एपीबीटी है ना, वो नहीं होगा। मीटिंग भी देते हो आप? मीटिंग भी देता हूँ सर। क्या रेट रखा हुआ मीटिंग का? जो सर अभी ये तो मेरा 8 महीने का डॉग है, अभी जब ये बड़ा होगा सर इसकी मीटिंग फीस होगी 30,000, 30 से 25, जैसे बीच में साइज के क्वालिटी के हिसाब से देखेंगे। होती है ना डॉग की, उसी के हिसाब से होती है। वैसे तो सर हमने मीटिंग के लिए रखा नहीं, मीटिंग के लिए वही है जो आपको पहले बताया था बाबला, वो करता मीटिंग, उसको ही करवाएंगे मीटिंग वगैरह। एक बात हो रहा है, आप मुझे कह रहे थे स्टार्टिंग में कि इसके पेपर है, तो पेपर कौन से होते हैं इसके? KYC होती है, KYC भी होती है और पेडिग्री भी होती है। वो कहाँ से बनती है? वो सर बाहर से ही, जिनके मदर फादर इंपोर्ट होते हैं वो जी वो बना के देते हैं, वो अमेरिकन कैनल क्लब की तरफ से, इंडियन कैनल क्लब में तो नहीं होता ये, ठीक है। बड़ा मजा आया यार अभी आपसे मिलके, आपके ये डॉग हमने इसमें अमेरिकन पिटबुल दिखाया और एपीबीटी दिखाया, प्लस हमने अमेरिकन बुली दिखाया और स्पिट्स दिखाया, और अच्छे अच्छे दोस्त दिखाए आपको जो बड़े अच्छे डॉग लवर है। थैंक यू दोस्तों, साइनिंग आउट, टाटा।